नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार, आपका होस्ट आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्रा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने UPLT ग्रेड फिजिकल एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत की हुई है। दोस्तों, हमने अभी तक बहुत से पार्ट अपने YouTube चैनल पर डाले हुए हैं। यदि आपने अभी तक उन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी भागों को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वॉलीबॉल गेम। दोस्तों, आज मैं आपको वॉलीबॉल गेम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एवं उनसे संबंधित रूल्स को बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ कोर्ट। दोस्तों, वॉलीबॉल में जो हमारा प्लेग्राउंड होता है उसमें कोर्ट की टोटल लंबाई होती है 18 मीटर। इसी के साथ साथ जो कोर्ट की चौड़ाई होती है यह होती है 9 मीटर। दोस्तों, यदि बात करें कि अटैक लाइन से सेंटर लाइन तक की दूरी कितनी होती है तो यह कुल मिलाकर होती है 3 मीटर की दूरी पर। वहीं सभी लाइनों की चौड़ाई इसमें 5 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, यदि वॉलीबॉल इंडोर हॉल या इंडोर स्टेडियम में खेला जाता है तो वहाँ छत की ऊंचाई या सीलिंग की ऊंचाई कम से कम 12.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम FIVB के अनुसार मान्य नहीं है। वहीं यदि बात करें कि वॉलीबॉल में पोस्ट या फिर पोल की हाइट क्या होनी चाहिए तो दोस्तों, यह हाइट होती है 2.55 मीटर। वहीं यदि बात करें कि डिस्टेंस ऑफ पोस्ट फ्रॉम साइड लाइन से पोस्ट की दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो दोस्तों यह वेरी करती है, लेकिन फिर भी जो एक्यूरेट हम मानते हैं हम 0.5 से लेके 1 मीटर तक। दोस्तों, वहीं बात करें कि लेंथ ऑफ नेट, कि नेट की लंबाई क्या होती है तो दोस्तों, नेट की लंबाई होती है 9.50 मीटर और इस नेट की चौड़ाई 1 मीटर होती है। दोस्तों, यदि बात करें कि हाइट ऑफ नेट फ्रॉम ग्राउंड यह क्या होती है दोस्तों आपको बता दूं कि हाइट ऑफ नेट मेंस के लिए होती है 2.43 मीटर, वहीं महिलाओं के लिए होती है 2.24 मीटर। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो नेट हमारा बंधा होता है उसी के ऊपर दोनों साइड लाइनों के एजेस पर हमारे एंटीना बंधे होते हैं। एंटीनों की टोटल संख्या गेम के अंदर 2 होती है। यदि कोई एंटीना टूट जाता है, ख़राब हो जाता है तो रेफरी या अंपायर द्वारा उसे तुरंत बदलवा दिया जाता है। जो एंटीना होता है इसकी कुल हाइट 1.80 मीटर होती है दोस्तों, जिसका 0.80 भाग नेट से ऊपर हवा में होता है। यदि इससे साइड लाइन से बॉल टच करके इसे या बाहर की तरफ से जाती है तो दोस्तों, वह बॉल आउट कहलाती है। बात करते हैं एंटीना के डायमीटर की तो दोस्तों, एंटीना का डायमीटर 10 mm का होता है। वहीं यदि हम बात करें कि बॉल का वज़न क्या होता है तो दोस्तों, बॉल का वज़न होता है 260 से 280 ग्राम। अगर बात करें कि बॉल का सरकमफ्रेंस क्या होता है या बॉल का टोटल व्यास क्या होता है तो दोस्तों, यह होता है
65 से 67 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन गेम। दोस्तों आपको बता दूं कि एक गेम में हमारे कुल प्लेयर 12 होते हैं, जबकि 6 प्लेयर गेम में होते हैं और 6 प्लेयर हमारे सब्स्टिट्यूट होते हैं। दोस्तों यदि बात करें कि एक मैच में कितने ऑफिशियल होते हैं, तो दोस्तों अधिकतर बुक्स में जितनी भी हैं सभी में हमें एक रेफरी, एक एम्पायर, एक स्कोरर और 2 लाइनमैन या 4 लाइनमैन बताए जाते हैं। दोस्तों मैं भी वॉलीबॉल का ही खिलाड़ी हूँ और जब मैंने NSNIS किया था तो FIVB की रूल बुक में मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे पास बॉल बॉयज भी होते हैं, क्योंकि गेम में 5 बॉल रिजर्व होती है दोस्तों। और जब बॉल में कोई भी गेम के अंतर्गत गेम खेलते हुए बॉल ख़राब हो जाती है तो बॉल बॉय ही आकर बॉल को गेम में लेकर आता है। तो इस प्रकार यदि हम काउंट करें कि टोटल बॉल कितनी हो जाती है दोस्तों, तो दोस्तों कुल मिलाकर यह बॉल हो जाती हैं, टोटल हमारे ऑफिशियल हो जाते हैं, रेफरी हो जाएगा हमारा एक रेफरी, एक असिस्टेंट रेफरी, इसके अलावा 4 हो जाएंगे हमारे लाइनमैन और एक हो जाएगा हमारा स्कोरर और एक हो जाएगा हमारा बॉल बॉय। दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न हमें UPTGT में देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है वह कुल ऑफिशियल 8 दिया हुआ है। दोस्तों यदि अगर हम इसको, क्योंकि FIVB की रूल बुक में कहीं भी क्लियर कट नहीं दिया गया है, हम वैसे इसे 7 ही मानकर चलते हैं, पर अपने हिसाब से यदि काउंट करें तो यह 8 हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों जो हमारा वॉलीबॉल का ग्राउंड होता है वह निम्न प्रकार का होता है, जिसकी टोटल लंबाई हमारे पास 18 मीटर होती है, वहीं इसकी चौड़ाई हमारे पास लगभग 9 मीटर होती है। दोस्तों यदि बात करें कि सेंटर लाइन से एंड लाइन तक की दूरी हमारे पास 9 मीटर होती है। दोस्तों यहाँ सेंटर लाइन से अटैक लाइन तक की दूरी हमारे पास 3 मीटर होती है, इसके पीछे बैक जोन होता है, इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 6 मीटर होती है। चलिए दोस्तों इतनी जानकारी अभी के लिए आपके लिए काफ़ी है, आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने आपके लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई एवं चौड़ाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18x9 मीटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एंटीना। जी हाँ दोस्तों यह भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1.80 मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट। दोस्तों यह रिपीट हो गया है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द एंटीना। दोस्तों यह भी रिपीटेड है, व्हाट इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेट। जी हाँ दोस्तों बताइए, अभी पढ़ा था आपने, इसका सही जवाब हो जाएगा 9.50 से
10 मीटर दोस्तों, और इसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ नेट फॉर मैन एंड वीमेन? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार का प्रश्न कई बार हमें UPLT ग्रेड, KVS, NVS, DSSB में देखने को मिलता है। दोस्तों वॉलीबॉल में नेट की मेंस के लिए हाइट होती है 2.43 मीटर, वहीं वुमेन के लिए इसकी हाइट होती है 2.24 मीटर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। व्हाट शुड बी द एक्यूरेट हाइट ऑफ द पोल्स? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पोल की लंबाई क्या होती है? यह होती है दोस्तों 2.55 मीटर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ द बॉल? जी हाँ दोस्तों, एक ही अच्छा प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 260 ग्राम से 280 ग्राम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज द रिक्वायर्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉल? बॉल का कुल व्यास क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 65 से 67 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट शुड बी द प्रेशर ऑफ एयर इन द बॉल? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 0.25 से 0.325 PSI। दोस्तों PSI प्रेशर को नापने का मात्रक है। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम? दोस्तों अधिकतर जब हमारे सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं तब उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं और कितने खेलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है कि वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। यदि बात करें टीम में, तो दोस्तों टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें प्लेइंग प्लेयर होते हैं 6 और सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं दोस्तों 6। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाउ मैनी टाइम आउट्स कैन बी टेकन बाय अ टीम इन अ वन सेट? जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न पूछा गया है कि कितने टाइम आउट एक टीम द्वारा लिए जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि एक सेट के अंतर्गत एक टीम 2 टाइम आउट ले सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 टाइम आउट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिस्क्राइब द ऑफिशियल ऑफ वॉलीबॉल मैच। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो हमें बुक्स में अधिकतर देखने को मिलता है, वह आंसर आपका देखने को मिलता है 7। पर TGT PGT के हिसाब से जो उन्होंने UPTGT में आंसर दिया था, यह उन्होंने 8 बताया था दोस्तों। अभी इसकी संशोधित आंसर कुंजी यानी बाकी है, तो अभी हम इसको डाउटफुल मानकर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। व्हेन डज द रोटेशन टेक प्लेस? वॉलीबॉल में रोटेशन कब ली जाती है? दोस्तों बड़ा ही सिंपल और आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा आफ्टर सर्विस। जब सर्विस दोस्तों चेंज होती है, तभी हमारी रोटेशन होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विस इन वॉलीबॉल? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अंडर हैंड सर्विस, रंडा ये हो जाएगा दोस्तों, अंडर आर्म सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस, टेनिस सर्व जिसे हम स्मैश सर्व भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हाउ मैनी सेट्स आर देयर इन अ वॉलीबॉल मैच? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इसका 25। दोस्तों यहाँ पर 25 पॉइंट्स का एक मैच होता है और इसके 5 सेट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ब्लॉकिंग इन वॉलीबॉल? दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है कि वॉलीबॉल में कितने प्रकार की ब्लॉकिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार की ब्लॉकिंग आपको देखने को मिलती है, जिसमें एक होता है सिंगल मैन, दूसरा होता है टू मैन और तीसरा होता है 3 मैन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। विल इट बी अ फाउल इफ द बॉल टच द नेट स्लाइटली इन केस ऑफ सर्विस? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि यदि सर्विस करते समय बॉल नेट को धीरे से छूकर चली जाती है तो क्या यह फाउल होगा? तो दोस्तों आप जानते हैं नहीं, इसका सही आंसर है नो, यह फाउल नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाउ मैनी टाइम आउट आर गिवन फॉर रेस्ट? जी हाँ दोस्तों, पहले ही बता चुका हूँ मैं, एक सेट में 2 टाइम आउट दिए जाते हैं दोस्तों, 2 टाइम आउट गिवन फॉर रेस्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर टाइम आउट फॉर रेस्ट? दोस्तों टाइम आउट कोई भी हो, प्रत्येक टाइम आउट इसमें 30 सेकंड का होता है, 30 सेकंड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाउ मैनी टाइम आउट आर गिवन फॉर सब्स्टिट्यूशन? दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 6 टाइम आउट फॉर सब्स्टिट्यूशन पर टीम पर सेट आर गिवन इन अ मैच। हर एक सेट में प्रत्येक खिलाड़ी को 6 टाइम आउट दिए जाते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन के लिए होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैन अ टाइम आउट बी गिवन एट एनी टाइम? दोस्तों यहाँ प्रश्न पूछा गया है क्या टाइम आउट कभी भी दिया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि जब बॉल डेड हो गई हो, टाइम आउट केवल तभी दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेम द बेसिक स्किल यूज इन वॉलीबॉल। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपको हिंदी में भी बता दूँ, प्रश्न पूछा गया है कि किन स्किल्स का इस्तेमाल वॉलीबॉल में किया जाता है। तो इसका आंसर है सर्विंग, पासिंग, डाइविंग, ब्लॉकिंग, स्मैशिंग और बस्टिंग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंटरवल बिटवीन सेट्स? तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर है द लिमिट्स बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेट्स इज 2 मिनट, जबकि चौथे पांचवे राउंड में इसका जो इंटरवल है यह 5 मिनट का होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इज द डबल टच फाउल इन वॉलीबॉल मैच? क्या 2 टच फाउल होता है वॉलीबॉल मैच में? दोस्तों इसका सही आंसर है नहीं, वॉलीबॉल में 3 टच अलाउड होते हैं, तो डबल टच में यह फाउल नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग अ नेट इन अपोनेंट्स कोर्ट कैन अ प्लेयर डू इंटरफेरेंस विद द बॉल? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जब बॉल नेट को क्रॉस कर रही होती है और वह अपोनेंट कोर्ट में है तो क्या प्लेयर बॉल के साथ इंटरफेरेंस कर सकता है?
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। कोई भी खिलाड़ी अपोनेंट कोर्ट में बॉल के साथ कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता। दोस्तों यह थी आज की हमारी महत्वपूर्ण सीरीज़ वॉलीबॉल गेम को लेकर के। यदि आपको हमारा यह पढ़ाया हुआ समझ आया है या आप हमारी वीडियो को लेकर संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ साथ ही अपना महत्वपूर्ण फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।